जिसको ये रियलाइजेशन हो तो वो एक अपनी सतात के मुताबिक क्योंकि देखिए आप हमेशा चाहे आप जितनी ताकत रखते हैं उस हिसाब आप से आपके आपसे सवाल है जो आपकी ताकत में नहीं है वो आप नहीं कर सकते दिस वर्ल्ड कप वॉर्स के इस्लाम बहुत बहुत बेहतरीन एक इमेज जो है इस्लाम की सॉफ्ट जो वेस्ट का पिछले डेकेट्स का जो एक प्रोपोगेंडा अगेंस्ट इस्लाम एंडोबिया जिस तरह से उन्होंने किया उसके अगेंस्ट जो है ना लोगों को एक असली चेहरा इस्लाम का दिखाई लड़ाकों की जो टीम है उन्होंने ये चीज एटलीस्ट दिखा दी कि और कुछ हो ना हो हम हर हालत में खुश रहते हैं और हम अपनी विक्ट्रीज को जो है वो दोबारा से एसोसिएट करते हैं किसके साथ अल्लाह समाला के साथ हमारी कामयाबी नहीं है आपकी इंफ्लुस देखे तो क्या कहते हैं दुनिया को देखते हैं ना शराब आम कर दो आ, मीडिया पे वलगार्टी वो कर दो दुनिया के जो है फायदे को देख रहे होते हैं वो आखिरत को इक्वेजन नहीं रखते हैं। जी भाई मैं जिंदगी में जीतना चाहता हूँ जो जिंदगी में जीतने की कोशिश करता है

और बस क्लब ये आवाज में दर्द वाला में सही okay. आवाज। <laughs> बस को टीम, थोड़ा अपना किस तरह से ताकि लोगों को ये शक ना पड़े कि हम रास्ते में किसी को भी पकड़ ले रहे हैं अच्छा नहीं नहीं, नहीं बस अलहमदिल्लास बीन लाइक अराउंड सिक्स मंथ्स के अलहमदुल्ला पहले तो मेरी तोहबाई से मुलाकात हुई थी माशा

आ, लोगों ने जो ए ना ए सी शक्लें रखी और यूनिवर्सिटी में सबसे वोट किया कि कौन सी शक्ल को प्रेफर करेंगे तो उसमें नहायत ही गुड लुकिंग था ठीक है और एवरेज लुकिंग था और एक बुरा शक्ल वाला था ठीक है गुड तो, लुकिंग मैं था ना सबसे किया तो सबने बोला कि जना कि या तो किसी ने ए को चूज़ किया या बी को चूज़ किया अब दैट वॉज ऑब्वियस कि कोई ए को चूज़ करेगा बी को चूज़ करेगा लेकिन समझ में नहीं आया कि वो सी को रखने की जरूरत क्या थी क्योंकि सी को तो किसी ने चूज ही नहीं किया तो उन्होंने बोला कि वो सी को इसलिए रखा था कि वो फैसिलिटेट तो फैसिलिटेट कर रहा था वो बी को बेहतर दिखा रहा था तो जरीन के पॉडकास्ट में हम लोग इसलिए हैं अल्लाह अल्लाह हम हम वो सी हैं तो वो जो है जहरीन को बी और ए दिखाने के लिए ठीक है और ये पूरी कोशिश इसलिए ताकि हमारे भाई की जिंदगी बसर हो जाए जिसके लिए बहुत मेराज है, है। बहुत हर से पहले बोलते हैं कि भजी भाई प्लीज तो दुआ की मैं, मैं कैद होना चाहता हूँ आप पता है आपके पॉडकास्ट का मकसद होता है जरीन को पकड़ना जरीन मासूम जो आके उसके अलावा हाथ में आते नहीं है ना नह

वर्ल्ड कप ने जो है ना इट हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉम एब्सोल्युटली एंड अंडरस्टैंडेबली सो चार साल के बाद होता है तो बहुत सारे लोग बड़े शौक़ से देखते हैं और बहुत सारे मौसमी फैन भी निकल आते हैं जो कि वैसे फुटबॉल देखते होंगे कुछ भी समझ नहीं आते होगी लेकिन मेसी रोनाल्डो को सपोर्ट करने के लिए वर्ल्ड कप <laughs> में आ जाते हैं <laughs> <laughs> तो वर्ल्ड कप भी हो रहा था तो इस वर्ल्ड कप से बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली हैं और बहुत सारी खैर भी निकली है ताल से उम्मीद है कि इससे बहुत सारी खैर भी निकली है और वो जो खैर निकली है वो फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो जो इस वर्ल्ड कप का होस्ट था कतर कतर ने जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप को होस्ट किया है उन्होंने जो है न वो एक एग्ज़ाम्पल सेट कर दिए सारी दुनिया के लिए और वो एग्ज़ाम्पल ऐसे सेट कर दिए कि अगर अल्लाह सुबहाना ज़ाला ने आपको पावर दी है आपको पैसा दिया है आपके पास कोई भी इसबाब है जो आप इख्तियार कर सकते हैं टू अचीव समथिंग तो उनको कैसे भरुएकार लेके आना है आपने अल्लाह अला सुमा के दीन की खातिर तो आप देखते हैं कि कतर ने जो है वो विनिंग राइट्स जीते थे कल जीते थे हज़ार ट्वेंटी ट्वेल्व में जीते थे या थे टीम में जीते थे काफ़ी अर्सा पहले काफी जीते थे।, थे उसके बाद से उसके बाद से प्लानिंग कर रहे थे क्रिएटेड ऑलमोस्ट अ होल न्यू सिटी फॉर इट द द्रिएटेड स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर और क्या कुछ नहीं किया वो सब कुछ करने के बाद वन द वर्ल्ड कप वॉज अ पानस और उसकी तकरीबन ईव के ऊपर दे अनाउंस के सॉरी देर विल बी नो एल्कोहल विद इन द स्टेडियम्स और उसके नियर बाई भी और फिर कहते हैं कि जी एल जी बी टी क्यू को भी जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वरना आपको पता है कि फीफा जो है वो तो फ्लैग्स भी लगाता है अंदर जो कॉर्नर फ्लैग्स होते हैं कैप्टन के जो आम बैंडस होते हैं हर जगह पर वो एल जी बी टी क्यू की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर कर रहे होते हैं तो कहते हैं क्या कि सॉरी नॉट वायल योर हेर नॉट वायल योर हेयर वो भी उन्होंने मना कर दिया उसके अलावा कपड़ों के ऊपर भी उन्होंने खास जो है ना वो कदगन लगाया कि जी एक ख़ास किस्म के अगर बहुत वाहियात कपड़े हैं, आपके यूर नॉट गोइंग टू यार दोस्त आपके कंधे नंगे हैं तो दिस इज़ नॉट अलाउड आपकी बहुत शॉर्ट्स पहनी हुए आपने इसरा नॉट अलाउड कोई भी ऐसी क्लोदिंग जो वाहियात कंसिडर की जा सकती है सो so बेसिकली कतर ने जो है ना वो हमें ये एक चीज़ सिखाई है कि आपने किस तरीके से पावर का इस्तेमाल करना है अला सुबह के दीन के लिए और उसके बाद आप सबको मालूम होगा उनकी जो अन अपोलोजेटिक अप्रोच थी आपने सुना होगा कि उन्होंने जो है न वो कुछ दुआत को भी बुलाया वर्ल्ड कप के लिए दुआत को बुलाया कि आए दावत है लोगों को जो नॉन मुस्लिम्स हैं वहाँ पे उसके बाद जो लोग नमाज़ें पढ़ने पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो प्रेयर रूम्स हैं उनके जो ग्लास वो जो दीवारें दीवारें हटा के वहाँ पे ग्लास लगा दिए क्यों ताकि नॉन मुस्लिम जब गुजरे वहाँ से तो दे सी द मुस्लिम स्प्रिंग एंड दे आस्क कि यार ये कैसे है तो ये किस लेवल की मसाजिद डिवेलप किए आपने देखा आ, मैं रिसेंटली स्ट्रोल कर रहा था तो शिवानी मुझे दिखाया कि जिस तरह की स्टेट ऑफ़ द आर्ट लेवल पे उन्होंने मसाजि बनाई हुई हैं और ऐसे दाई को बुलाना Uh, जो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वाइड बैंड हो ऐसे लोगों ने उनको ओपनली यूएस में वो बैंड हैं इंडिया में वो बैंड है और काफ़ी सारे ममालिक में बैंड है उनको बुलाया और बोला प्रॉपिगेट करो दीन दिन की दावत करो ओपनली बिल्कुल अनअपोलोजेटिक अप्रोच बिल्कुल और आप मजे की बात ये देखें कि उन्होंने सब ये सब चीज़ें पहले वर्ल्ड कप के अंदर इट इज़ इट इज़ अंडरस्टूड कि फाशी भी होगी उसके अंदर उसके अंदर बियर्स भी चलेंगी सब कुछ चलेगा और उन्होंने ये साबित किया कि उसके बग़ैर भी वर्ल्ड कप हो सकता है और उसके बाद जो बी खुद रिपोर्ट कर रहा है कि यू की खातन जो वो कह रही है कि दिस हैज़ बिन द सेफेस्ट वर्ल्ड कप वी हैव एवर अटेंडेड यहाँ पे कोई कैट कॉलिंग नहीं थी हमें किसी ने कोई नाजिबा कलमात नहीं गए हमें किसी ने छेड़ा नहीं कोई अब्यूज़ का मामला सामने नहीं आया अलहमदिल्ला तो इट जस्ट गोज़ टू तो शो कि आप बहुत सारी चीज़ें जो कि आप स्टेप्स ले सकते हैं दिन की खा हाँ एक और मामला भी बीच में आता है यहाँ पर वो दूसरा मामला ये है कि आपकी बात से मुझे एक किस्सा याद आ गया डी बिफोर बींग इन क्लाइन टू वर्स रिलीजन तो मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी उनके भाई की शादी थी तो उन्होंने शादी से पहले जो एक रस्मी तौर पर खातून बुलाई थी तो उन्होंने नात वगैरह पढ़ी और उन्होंने दूर सलाम भेजे और सब औरतों ने दुपट्टे उपट्टे उड़े हुए थे फिर वह ख़ातून चले गई और फिर फ्लोर ओपन हो गई फिर दुल्हन ने भी डांस किया फिर <laughs> सब ने डांस किया तो वो कफारा शायद अदा हो गया तो आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट एसोशिएटिंग ऑल दिस विद रिलीजन बट मैं एक आई हैव माई ओन परस्पेक्ट मैं ना तो मैंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप फॉलो किया समह हाउ दिया दर नॉट दैट कि मुझे शौक़ नहीं है बढ़िया के समहाओ दिया द आई नो दूसरे लोगों को शायद एक मुख्तलिफ राय होगी लेकिन मैं पूरे वक्त बैठ के मैच नहीं दे सकता ये मेरा प्रेफरेंस है मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी इसको बट मैं एक बात ये बोलता हूँ कि आपकी बात से मैं एक बात करने कह कर रहा हूँ देखिए कि आप अगर फाइनेंशली स्ट्रॉग हो अगर आप इकनॉमिकली अपने आप को एक स्टैंडिंग रखते हो तो फिर आप ये इस तरह के इकदाम कर सकते हो आई नो इट्स नॉट समथिंग कि हम इसको आइडियल बना दें बिकॉज हम All कहीं ना is... कहीं से कुछ ना कुछ एडजस्ट अच्छा कर रहे होते हैं कि uh, ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है कहीं जगह पर हर जगह हंड्रेड परसेंट नहीं होता कम होता बट एन टू यू आर मेकिंग यू आर एबल टू मेक दैट कॉल कि ये, day, making, hmm. ये hmm. चीज़ नहीं होगी ये चीज़ नहीं होगी बिकॉज यू हैड अ फाइनेंशियल बैकिंग एंड दिस इज एग्जैक्टली वॉट द इसराइल प्राइम मिनिस्टर नितिन याहू सैड के जो लोग हमें अपोज कर रहे थे इतने सालों hmm. से आज हम उनको अपने सिस्टम से इतना डिपेंडेंट कर देते हैं कि कल को जो हमारे खिलाफ होगा वो ऑटोमेटिकली आइसोलेट हो जाएगा क्योंकि जो लोग आ, मज, लोग मजबूर हो जाएंगे हमें सपोर्ट करने के लिए सिस्टम इज डिज़ाइन इन सच अ मैनर दैट यू विल नॉट बी एबल टू टेक अ स्टैंड आप नहीं खड़े हो सकोगे तो आप ठीक है इट्स इट्स अ गुड थिंग बात ये कि देखिए इससे ये पता चलता है कि मुसलमान की अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं उससे इंसान नहीं हटता और यस uh, yes, uh, चीज़ों में है और Day, अब इसमें ये बात जो मैंने देखी जितना मुझे पता है कि इसमें दुनिया की मुनाफिकत बहुत सामने आई है Allah. और मुनाफिकत क्या सामने आई है कि देखिए आप ये समझते हो कि आपका जो यूरोपियन कल्चर है आपका जो अमेरिकन कल्चर है आपका जो इंग्लैंड uh, का कल्चर है वो पूरी दुनिया को फॉलो करना चाहिए यू टॉक अबाउट लिबर्टी यू टॉक अबाउट फ्रीडम स्पीच यू टॉक अबाउट रिस्पेक्टिंग अदर पीपल्स वैली ट द सेम टाइम जब आप दूसरे के जगह पे जाते हो तो आप बोलते हो कि नहीं हमारी वैल्यूज को आपने प्रोजेक्ट करना है एंड अगर ये चीज़ आपके ऊपर आने जा ये जो लोग कहते हैं ना कि देखिए बहुत खुले दिमाग के हैं बहुत एक्सेप्टेबल हैं बहुत बातें करते हैं ये एक खुली एक तस्वीर है उन लोगों के लिए कि ये चीज़ अब आपके ऊपर थोपी जा रही है एक्सपोज हो गए बिल्कुल आई यू एक्सेप्ट इट जो कहते हैं ना कि स्टेटमेंट है जो मैं हेजिटेट कर रहा हूँ बोलते हुए लेकिन मैं बोल देता हूँ बिकॉज हेजिटेट करने का फ़ायदा क्या आई दर यू एक्सेप्ट मैकडॉनल्स और वी सेंड रोनल मैकडोनल्ड बिल्कुल रोनल्ड मैकडोनल्ड वॉज जिसने एफ सिक्सटीन बनाया था क्या आप हमारा मैकडोनल्ड एक्सेप्ट करें अदरवाइज हम यहाँ आपको भेजते हैं तो आप जो बात करते हैं ना कि नहीं जी आप मुसलमान होते हुए अपने बैकफुट पर रहना है आप जो है अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करते हुए अपोलोजेटिक होते हैं दूसरा इंसान एग्रेशन भी यूज़ कर रहा है बॉयकॉट का मेथोडोलॉजी भी यूज़ कर रहा है आपके ऊपर आर्मी भी यूज़ कर रहा है आपके ऊपर हर तरह की फोर्स यूज कर रहा है लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है ना मुसलमान कर रहा है ऐसे ही एंड एज मुस्लिम्स वी नीड टू स्टैंड अपन से कि देखिए एक मुल्क जो कुछ वैल्यूज़ के ऊपर खड़ा हो सकता है hmm. अगर पूरी मुस्लिम उम्म खड़ी होगी और वो डिवाइड एंड रूल के कामों में नहीं आएगी तो आप देखिए आप दुनिया में कैसे नहीं कर सकते बिकॉज आप स्ट्रेटिजिकली तो जोग्राफिकली किस तरह से स्प्रेड आउट हो कि अगर आज आप अगर कोई स्टैंड लेते हो तो द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग टू फॉल फॉल्डाउन एट नीज लेकिन आप ये बात नहीं समझ रहे आपके दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि दो चीज़ें हैं जो तुम्हारे दिल में आ जाएगी कि वो समंदर की झाग के माने होंगे उनकी कसरत होगी लेकिन उनके दिल में एक तो दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर ये जो दो चीज़ें हैं ना जो दिल में आ जाएगी तो आपकी अक्सरियत को फ़ायदा ही नहीं दे रही आप एक समंदर की झाक की माना समंदर की झाक जो है ना बेकार होती है बिल्कुल हज तो ये एक एलिमेंट है तला भाई सर माशा आप बोल रहे हैं मतलब मेरे ख्याल में हम बोलते है रहते हैं आप नहीं, नहीं बोलेंगे तो मुझे सबसे अच्छी बात जो ये लगी कि अगर उनसे हमने ये देखा कि उन्होंने जो स्टेप्स लिए कतर के हवाले से बात कर रहा हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमें अगर जो हम लोग इस वक्त जो खामोश बैठे हुए अगर हम उनके साथ यूनाइट हो और मुस्लिम तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ब्रिगर परस्पेक्टिव की तरफ हम जा सकते हैं और एक बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं जो कि बहुत एक एजेस से साइलेंट हुआ 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 है और लोगों को भी बहुत सारे कल्चर्स हमें हमने अडोप्ट कर लिए वेस्टर्न यूरोपियन इंडियन इनको अगर हम देखें इस तरह तो मतलब दिस इज़ अ वेरी राइट आर के हम इस चीज़ को आ, जो है इससे हम फ़ायदा उठा सकें और जो है मुस्लिम्स को एक वाकई यूनाइट कर सकें तो वैसे uh, <coughs> मैं ये देखता हूँ कि हम डाइवर्सिटी के नाम पे ना कि डाइवर्सिटी है फलां कल्चर को भी समझो देखो उसको भी उसमें से भी कुछ चीज़ें लो हर कल्चर की अच्छी चीज़ें लो वी हैव बिन डूइंग दैट अलॉट एज अ मुस्लिम्स हमने हर किसी का कल्चर जो है वो लिया हुआ है और हर चीज़ हर किसी के कल्चर से गलत चीज़ें जो इस्लाम जिसको इंडोर्स uh, uh, नहीं करता जिन आइडियाज़ को हम वो ले लेते हैं yeah. हमारी uh, शादी जब होती है शादियों में रसम रिवाज जो हैं वो सारे हिंदू डिराइव्ड रस्म रवाज हैं yes. वो मुसलमानों के नहीं हैं yeah. और आई थिंक दैट इज़ एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम बेसिकली समेयर इन द प्रोसेस हम अपनी आइडेंटिटी भूल चुके हैं एज अ मुस्लिम आइडेंटिटी क्राइसिस आइडेंटिटी हैपेंस बिकॉज पीपल अमंग्स द मुस्लिम वर्ल्ड उन्होंने ये बात नहीं समझी है कि बहुत पहले से जो मीडिया प्रोजेक्शन है अगर आप अपने पास बॉलीवुड की मूवीज़ ले लीजिए ये जो कल्चर आया है किस वजह से आया बिकॉज़ अगर आपको बार बार एक चीज़ थोपी जाएगी कि आप बताया जाएगा दिस इज़ इज़ आपको एज ए रोल मॉडल ऐसे सेलिब्रिटीज़ होंगे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में होगा आपकी uh, जो एजुकेशन सेक्टर में इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी आपको एंटरटेनमेंट के तौर पर इस तरह की चीज़ दिखाएंगी तो आपकी पूरी एक जनरेशन पैदा होगी जो अपनी आइडेंटिटी से शर्माएगी और वो दूसरे की कल्चर को अपनाएगी और ये तभी होता है जब आपने अपने रूट्स के ऊपर काम नहीं किया होता अगर आप अपने रूट्स पर स्ट्रॉग नहीं होते आपका कल्चर वैल्यूज़ को आप सही तरह से प्रोजेक्ट नहीं करते तो फिर आप दूसरों की चीज़ों को अडोप्ट करना शुरू करते हैं और इसी वजह से जब आप दूसरों की चीज़ों को अडोप्ट करते हैं तो फिर आपकी अपनी आइडेंटिटी खो जाती है और बड़े बूढ़े कितनी प्यारी कहानियाँ सुनाते थे आज जाके पता चलता कि बचपन में सुनाते कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया और ये कहानियाँ ये सारी जो लोमड़ी की कहानियाँ और कवे की सुनिए ना आपने आप नहीं सुनेंगे आप तो मेरे मेखासे शायद पोके देखते हैं बड़े हुए <laughs> 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 तो ये हमें बताया जाता कि कव्वा इमिटेट करा था हंस को नो जूनो हंस इज स्वान के बारे में तो उसको करने चाहिए एंड आफ्टर सर्टन वाइल वो कव्वा भूल गया कि उसको खुद किस तरह से चलना है उसकी अपनी आइडेंटिटी भूल गया तो वो एक इंसान है ना कि वो एक कॉम जब एक नस्ल जब किसी और चाल को चलना शुरू करती है ना तो दे फ़गैट द रूट्स एंड एवेन दे फट दूट्स दैन हैव एन आइडेंटिटी ऑफ देर ओन दे आर अटैच विद सम अदर कल्चर अदर सिविलाइजेशन तो वो उन्हीं के तताबें होती है और इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी वैल्यूज़ अपने कल्चर को आज इसको डिनाई करते हुए कर, देखिए हम कल्चर को इस्लाम का हिस्सा नहीं बनाते लेकिन कल्चरल वैल्यूज़ को उर्फ को इस्लाम ने एक रिस्पेक्ट दी है कि आप उस उर्फ को ज़्यादा रखते हुए एज लॉन्ग इट्स नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग द वैल्यूज़ ऑफ़ इस्लाम अगर वो इस्लाम की तलीमत की जो बेसिस हैं उसको नहीं कॉन्ट्रिक्ट करें तो इस्लाम के इस तलीमत के अंदर है कि आप उस कल्चर की की, उर्फ़ को उसके जो कल्चर है उसका जो रिवाज है उसको अहमियत देते हैं क्योंकि आप उसको चैलेंज करने नहीं है रसूल अल्लाह सुल वसम ने उस अरब कल्चर को चैलेंज नहीं किया एज़ लॉन्ग एज इट वॉज नगेटिंग वॉट अल्लाह सुमावील तो अल्लाह के रसूल वसलम ने नहीं किया रीजन वाई रसूल ने जो इतनी बड़ा काम था वो क्या था हतीम को खत्म करना oh, yes. हतीम जो खाने काबा का हिस्सा है, इट, hmm. आप खाने काबा के अंदर पढ़ रहे होते हैं पूरे कबीले की शर की वजह से वो स्टैंड हो जाएगा इट वॉज इस्लाम में दाखिल हुए लेकिन रसूल ने उस काबे को इट्स नॉट काबा ओरिजिनली स्क्वायर नहीं है सर रेक्टेंगल शेप में दौरे जहालियत में लोगों ने उसको बिल्ड रीबिल्ड कर रहे थे लेकिन उन्होंने ये बात को अग्री किया था कि हम हराम कमाई नहीं लगाएंगे उनके पास पैसे कम पड़ गए थे तो वो हतीम का जो हिस्सा है जिसमें एक आप नमाज पढ़ते हैं तो वो आप ओपन मिलता है उसको अल्लाह के रसूल सर ने इरादा था लेकिन उसको नहीं कर पाया बिकॉज एक पूरा कबीला खड़ा हो जाएगा बिकॉज उनकी इस जो जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज होता है तो अल्लाह के रसूल सदर ने इतना बड़ा काम रोक दिया तो हम ये देखते हैं कि देखिए जब हम बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं ना तो हमारे लिए ये आ, कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो हम ये कॉम को सिखाएं कि देखिए आपकी असल रूट्स किए एंड अगर आप उस रूट्स की तरफ नहीं जाएंगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये आगे वाली जनरेशन तब तक नहीं कामयाब होंगी उनके मामलात नहीं बेहतर होंगे उसमें असलाह नहीं आएगी जब तक वो पहले वालों के रास्ते पर नहीं चलेंगे पहले वाले कौन हैं सहाबा अजमईन इसका मतलब ये नहीं कि आपने घर कच्चे बनाना शुरू कर दे रहे हैं आप जो है रोडों पे जो है ऊँट लेके चले जाए बल्कि आपने उनके प्रायोरिटीज़ उनकी प्रिंसिपल्स उनकी वैल्यूज उनकी view. जो भी स्टैंडर्ड uh, था टू बी एबल टू प्लीज़ अल्लाह उस ते आपने आना है अगर आप उसमें नहीं है देन यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ यू नो आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल हंसी हम अगर के दौर के अंदर हम देखते हैं सबसे बड़ी एग्जांपल हमें इस एटीट्यूड की और जिसको हम विनिंग माइंडसेट कह रहे हैं इसकी जो हमें एग्जांपल मिलती है हर हर साहबी की रदी अल्लाह तुम उन, उन सबकी जो है वो अपनी अपनी कोई ना कोई हैं, हम सब सबको मालूम है वो किस, किसी न किसी चीज़ के लिए जाने माने जाते हैं लेकिन अगर हम देखते हैं कि इस मामले के अंदर उम्र अब्लताब रदील तन उमर अब्बुलखताब रदी अल्लान जो उनका अन अपोलोलॉजिक एटीट्यूड था दीन के मतलक वो आप शुरू से दीन में दाखिल होने के साथ ही कि यार रसोल्ला क्या हक पे नहीं हैं तो फिर हम इसको ओपनली क्यों नहीं बयान करते और उसके बाद काबे का जो है ना वो ओपनली सबसे पहला जो है ना तो ऑफ़ करना वहाँ से उनका जो लकब दिया जाता है उमर अबताब के बाद जो उनको उमर फारूक का जो लकब दिया था इसी वजह से दिया जाता है उनको और फिर उसके बाद अनाउंस करके मदीने हिजरत करके जाना और वो फिर जाके जब जरूसलम की चापियाँ रिसीव करने जाते हैं और वो कहते हैं कि इंडीड हम लोग जो हैं वो एक ऐसी कौम थे जो कि जलील हुए हुए थे दुनिया में इनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी और हमें दीन इस्लाम ने इज़्ज़त दी तो जब भी कभी भी हम दीन इस्लाम के अलावा किसी जगह इज़्ज़त तलाश करने की कोशिश करेंगे तो हम दोबारा से जलील हो जाएंगे तो हम लोगों की यही मिसाल है कि हम लोगों का जो हम इस एटीट्यूड को ओन अप नहीं कर रहे हम हमारे साथ क्या हो रही हो रहा है हम अपने दीन के बारे में शर्मिंदा भी होते हैं हम किसी बारे में बात भी नहीं सुनना चाहते वी डोंट वांट टू लुक लाइक अ मुस्लिम टॉक तो दूर की बात है वी डोंट इवन वांट टू लुक लाइक अ मुस्लिम हम आइडेंटिफाई भी नहीं करवाना चाहते आज के दौर के अंदर अगर आप किसी मुसलमान को बैठा दें और आप किसी नॉन मुस्लिम को साथ बैठा दें अगर वो इसी वी को हिंद की ख़े से गया है आप डिफरेंशेट नहीं कर सकते बताइए मुसलमान या नहीं अच्छा आप जो बात कह रहे हैं इसमें एक बात नोट कीजिए क्या उमर अब्दुल ख़ताब रदी के अलावा किसी और ने बात सोची नहीं होगी कि इस्लाम को ओपनली प्रैक्टिस करना है अब्दुल्बिन मसूद ने कुरान की तिलावत की थी बिल्कुल सूर्य रहमान की आ, उनको मारा था इस बात पे, बिल्कुल पब्लिकली वो किया था उमर अब ख़ताब की पर्सनालिटी थी एग्जैक्टली

आप बस अपने आप को कमज़ोर बनाते रहो आप अपने आप को जो है निचले दर्जे पे रखते रहो आप अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश ना करो आपने इस माशरे का सामने खड़े होकर आपने उसका सामना करना है आपने मेहनत करनी है हम एक चीज़ के बारे में बैठ गए हैं और ये बहुत 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 ज़रूरी है हाईलाइट करना कि हमने ये उम्मीद लगा के बैठ गए हैं कि कोई आएगा और हमें बचाएगा जली हाथ पे हाथ धरे बैठे हम हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए हैं कि कोई आएगा और हम बचाएगा ये मैंटालिटी ने लोगों को जो उनके उनका सवाल है देखिए कोई आएगा ठीक है इमाम मेहदी आते हैं वो अल्लाह सुमा तला अल्ला ने लिखा हुआ है जब भी होगा बात यह कि आपका क्या रोल है आपने क्या करना है क्या आपने उनके लिए और आगे वाले आने के लिए कि जनरेशन वो तो आपको नहीं पता ना कब आने वाले हैं लेकिन आपने जो काम अपने जवाब देना आप बैठे हुए हैं कि नहीं जी एक वक्त आएगा यू क्रिएटिंग यू नो वर्स वर्सारी फॉर यल्फ बिकॉज आप को क्या गारंटी कि जब आएंगे तो फिर आप उनका साथ देंगे बोले ना क्योंकि आज और, और उनके आने का सवाल हमें थोड़ी होगा हाँ उनके आने का हमें तो उस चीज़ का सवाल होगा जो हमारे हाथ में थी आपसे पूछा जाएगा तुम्हारे हाथ में यह था कि तुमने उसके बारे में क्या किया यू हैड पावर टू डू सच एंड सच तो तुमने क्या किया तुम्हारे पास वक्त था तुमने उस वक्त को कैसे इस्तेमाल किया तुम्हारे पास पैसा था तुमने पैसा कैसे इस्तेमाल किया तुमने जवानी थी तुम्हारे पास तुम्हारे पास ताकत थी तुमने उस ताकत को अल्लाह के दिन में इस्तेमाल की नहीं तुमने इस्तेमाल नहीं की एंड देन यू आर वेटिंग फॉर मेहदी दुगाम और उसके बाद जाल से लड़ाई होगी और सब पंगे ये सब कुछ होगा एंड देन आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट अगर आप उस सारे सिनेरियो पे मस्जिद की नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ने पढ़े यहाँ नमाज मस्जिद में इमाम साहब <laughs> फजर पे बुलाते रहते हैं वो रजाई से निकला नहीं जाता जी भाई जैसे कुछ लोग इस वक्त ऐसा है कि समझते हैं कुछ बेसिक्स भी मगर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इन स्टेप बेबी स्टेप्स कैसे लें मतलब टुवर्ड्स द दीन तो आ, मतलब उनको क्या करना चाहिए इस चीज़ के लिए मतलब अगर थोड़ी बहुत अगर एक्नॉलेजमेंट भी है कि देखिए ऐसा है और ऐसा मामला है और वो कुछ सुन लेते हैं किसी से या कहीं पढ़ लेते हैं तो वट शुड दे डू देखिए कम्यूनिटी को of... इसीलिए अहमियत दी गई है कम्यूनिटी जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मक्का से निकले जबकि मुसलमान लोग थे लेकिन एक कम्यूनिटी ना होने की बिना पर वो वो स्टेप्स नहीं ले सके लेकिन जब आप देखिए मदीना में एक आ, कम्यूनिटी डेवलप हुई एक मस्जिद डिवेलप हुई लोगों ने एक लीडर डिफ़ाइन किया तो उसमें एक एक मनज़म तरीके से एक पूरा सिलसिला चला एंड लोगों को एक अपनी आइडेंटिटी मिली अपना किबला मिला जिसको ये रियलाइजेशन हो तो वो एक अपनी सतात के मुताबिक क्योंकि देखिए हम हमेशा चाहे आप जितनी ताकत रखते हैं उस हिसाब आप से आपके आपसे सवाल है जो आपकी ताकत में नहीं है वो आप नहीं कर सकते और हम ये बात समझने के देखिए ज़रूरी नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ हम आगे आने वालों के लिए भी कुछ ग्राउंड्स क्रिएट करते हैं तो आप जो लाइक माइंडेड लोग हैं जो दीनदार लोग हैं इनका आपस में जुड़ कर काम करना और देखिए जो हमेशा असलाफ कहते हैं तस्फ़िया तरबिया ये दो चीज़ें हैं जो तब्दीली लाती है तस्फ़िया क्या है कि आपने लोगों को जो दीन की गलत फहमी है उसको दूर करना है और फिर लोगों की उस पर तरबियत करनी है जब लोग तरबियत करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज का निज़ाम वो शेक करने वाला क्रिएट होगा लोग के जज्बाती करते इमाम हसन बसरी के पास कुछ नौजवान नसल आए उन्होंने बोला हजार बिन यूसुफ बड़ा ज़ालिम है हजार बिन यूसुफ के खिलाफ खड़ा होना है उसको लड़ेंगे हम करेंगे बहुत ालिम है इमाम हसन बसरी ने मना किया कि अभी वक्त नहीं है जज्बाती हो इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू उन्होंने नहीं सुना इमाम हसन बसरी की बात और हजार बिन यूसुफ ने ना सिर्फ उनको मारा बल्कि उनके इस स्टेप की वजह से जो जालिम हाक, आ, हाकिम होता है ना वो बाकी लोगों को भी मारता है ताकि अगला कोई खड़ा ना हो Net जब इमाम हसन बसरी को पता चला तो उन्होंने बोला ये नौजवान लड़के एक दिन की भी खैर लेके नहीं आए इन्होंने और मसला खड़ा कर दिया तो हमेशा शर और खैर का पहलू हम देखते हैं कि यार हमारे इस स्टेप में खैर ज्यादा है या शर ज्यादा है इन ऑर्डर टू डू समथिंग राइट वी डू नॉट क्रिएट टेन मोर रॉन्ग्स बिल्कुल तो वी हैव टू बी एबल टू सी एंड दिस कम्स विद नॉलेज दिस इज द रीजन वाई अ लॉट ऑफ पीपल ऑफ नॉलेज डो नॉट टेक अ स्टैंड बिकॉज देर नो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग स्टैंड तो इसलिए लोगों को तालीम देने की ज़रूरत है लोगों के दिल में इस्लाम उतारना है और इसके लिए कोशिश करनी है ऑटोमेटिकली लोग फिर उस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार रहेंगे hmm. और हम इस बात के मुखलफ नहीं हैं कि हम चीज़ को खुद बिल्कुल बदल दें जब हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी ना हो हमें देखना पड़ता है कि क्या हमारे पास वात है क्या हमारे पास वो रिसोसेज़ हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे देखिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाती है ना कि एग्जांपल सामने रखी जाती है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में जंग बदर में कितने रिसोर्सेज के साथ गए इसका जो बारीकी है वो लोग ये नहीं नोट कर पाते कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनिशिएट नहीं किया था वो जब मुसलमान के पास रिसोर्सेस ना हो ताकत ना हो लेकिन अगर कोई आ जाए आपसे लड़ने के लिए तो आपके पास जो होगा बिस्मिल्लाह लेकिन अगर आपने कुछ करना है तो आपको ये तालीम देती है शरीयत कि आप देखिए कि आपके पास खैर का पहलू ज़्यादा है इस अमल में या शर का पहलू ज़्यादा है अच्छा। क्या इसमें नुकसान ज़्यादा होगा या भलाई निकलेगी क्या आपके पास वो इसतात है क्या रिसोर्सेज़ हैं उन सब चीज़ों करने के लिए और इसीलिए तालीम दी गई है कि कब क्या किस हद तक हमें काम करना है क्योंकि हमें अला सुमा ने सही तब्दीली लाने के लिए बोला सिर्फ तब्दीली लाने के लिए बोला तब्दीली तो कुछ भी आ जाती है ना यहाँ पे आजकल लोग ना जिस कर ले रहे तब्दीली है लेकिन हमें तब्दीली क्या चाहिए देखिए तब्दीली बहुत सी हो जाएगी लेकिन तब्दीली कायम रहे तब्दीली से अल्लाह राज़ी हो एंड ये एक मुसलमान का मामला रहता है कि मुसलमान जो भी फैसला करता है जो हाकिम है उसका इल्म के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वो इल्म के साथ नहीं जुड़ा होगा तो वो सही फैसला नहीं कर पाएगा कि मेरी मुसलमान उम्मत की दुनिया और आखिरत इसमें जुड़ी हुई है या नहीं जुड़ी हुई है वो सिर्फ ये जो कभी कभार जुड़ देगा कोई ब... इल्म नहीं होगा तो बोलेगा दुनिया की इक्वेजन में देखेगा कि दुनिया का फायदा है फ़ायदा नहीं है लेकिन अगर उसका इल्म होगा बोलेगा यार मैं फैसला कर रहा हूँ कि मेरे लोगों के लिए ठीक है इकनॉमिकली कॉम्प्रोमाइज़ है लेकिन इनके पास अल्लाह तला की नाराजगी नाजिल नहीं होगी इनके ये हराम काम ही नहीं होगा लेकिन अगर आप आपके इन्फ्लुंस देखें तो क्या कहते हैं दुनिया को देखते हैं ना शराब आम कर दो मीडिया पे वलगार्टी वो कर वो दुनिया के फवाद जो है फायदे को देख रहे होते हैं वो आखिरत को इक्वेशन में नहीं रखते रहते हैं और ये बगावत वाला कॉन्सेप्ट वजह भी असल में ना सेल करना बड़ा आसान है ना आज के दौर के अंदर भी हर बंदा जो है वो इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगु कर रहा है और आपने देखा होगा यूथ की आपने बात की ना यूथ को एंटाइज करना जो है ना वो अभी की बात नहीं है वो थ्रू आउट हिस्ट्री

<laughs> कुछ नहीं हुआ <laughs> <laughs> कुछ भी नहीं हुआ बात ये ना मुझे तोड़ दिया ना चीजें और ये होगा, होगा, ये ये होगा होगा सो इनके खड़ा खड़ा करो करो वो करो, सब भाई भाई मत तो मेरे मतलब दियाट इजी हर हर बंदा तो सारी दुनिया में पागल तो नहीं है ना सब तो नहीं पागल किसी समवन एल्स माइट हैव थॉट अबाउट इट एज वेल तो आप जो है ना वो एक ऐसा एक नैरेटिव लेके चलते हो लोगों के अंदर वो ऐसी सोच पैदा कर देते हो और मसला पता क्या होता है हर बंदे के पास ना क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान हो कि ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है आप उनसे बोलो ना अच्छा ठीक है आपकी सारी बात मान लें सोलूशन किया है भाई जान आपके पास सोलूशन के उनके पास प्रैक्टिकल सल्यूशन नहीं होता और प्रैक्टिकल सोल्यूशन इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो चेंज चेंज के नाम के ऊपर चेंज करने के तो बड़े शौकीन लोग लेकिन जब चेंज कर लेते हैं बात ये है कि जब आपने एक गलत बेशक हम उस बात को मानते हैं कि जिस सिस्टम के बारे में आप लोग बात करते हो जिन चीज़ों के बारे में आप बात करते हो जिनके बारे में मा बात नहीं करते खामोश रहते हैं वो प्रॉब्लम्स हैं वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं लेकिन बात यह कि आपने क्या एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम को एक प्रॉब्लमेटिक नरेटिव को रिप्लेस करना है एक और प्रॉब्लमेटिक नैरेटिव के साथ ये हम नहीं चाहते हम चाहते हैं जब रिप्लेसमेंट हो तो प्रॉपर हो पीछे से तजकिया हुआ हो पीछे से तस्फिया हुआ पीछे से, से तरबियत हुई हुई हो लोगों की और फिर हम नैरेटिव चेंज करें सस्टेनेबल 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 एक्जैक्टली देखिए बात यहाँ पे, पे ये हो रही है ना कि जैसे अक्सर बात करते हैं ना जादू के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं फला फला मौलवी साहब के पास गए तो उनके पास जिन है तो उनसे वो जो है दूसरे का मैंने ला यार मतलब आप एक मसले को खड़ा करते हो दूसरे मसला खड़ा करते हो तो आप जो है एक चीज को गलत को दूर करने के लिए दूसरे गलत से करेंगे आपके गले आ जाएगा वो ठीक है वो कभी का वो चला जाएगा दूसरा आ जाएगा तो आप बोलेगा तो <laughs> <laughs> और आप बात कर रहे हो जैन देखिए इट्स वेरी इजी टू बिकम चीज है ये मार्केट में बिकता है कि यार ये ये बंदा है ना ये बात कर रहा है ये खुल के बात कर देता है लेकिन देखिए आलम रब्बानी का मामला क्या आलम रब्बानी आवाम को वो बात करता है जो उनकी समझ में है और खाली समझ में आने से अलावा वो उनके अमल में उसको उनको तब्दीली लेके ले आए जबान खाली ना बोलने लगे अमल बोलने लगे लोगों के ज़बान कम हो और अमल ज़्यादा लोगों के हो तो तभी कॉम में एक फ़र्क आएगा ठीक है जो कॉमें तरक्की करती हैं जिनका विनिंग एटीट्यूड होता है वो नेगेटिविटी पर ग्रो नहीं करती वो पॉजिटिविटी पर ग्रो करती हैं वो डू और यू नो वो एक्शन पे वो करती हैं आप

एक मैच भी नहीं नहीं बिल्कुल देने नहीं, नहीं, so, तो like नहीं।, नहीं, नहीं, नहीं किया मुझे पता ज्यादा था कि हो गया अब मैंने एंड वाले मैचेस कुछ देखे पूरे भी नहीं देखे वो बीच बीच में पहुंच गया ठीक है लेकिन मैं ब्रांड लारा की टीम को सपोर्ट कर रहा था फुटबॉल में नहीं मुझे 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 क्या किसने बताया था मुझे कि आज सब जागे हुए होंगे तो हाँ मेरी वाइफ ने बोला तो मैंने बोला क्यों जागे होंगे आज फाइनल है ना मैं किसी का फाइनल है फुटबॉल का वर्ल्ड कप का मुझे तो ये तक नहीं पता तो कौन सी टीम अच्छी मैं ये नहीं कह रहा देखिए मुझे सुन रहे बोलो कि शायद वजी भाई बोल रहे हैं तो फुटबॉल नहीं देखना चाहिए मैं बात बोल रहा हूँ देखो ये मेरी जिंदगी आप परेशान ना हो आपकी पता था

Uh, उनकी टीम ने भी बड़े अच्छे तरीके से को, को रिप्रेजेंट किया बहुत बहुत अपनी तरफ से उन्होंने एफर्ट्स प्रोटेन की लेकिन द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट दिस वर्ल्ड कप वॉज के इस्लाम बहुत बहुत बेहतरीन एक इमेज जो है इस्लाम की जो वेस्ट का पिछले डेकेट्स का जो एक प्रोपागेंडा अगेंस्ट इस्लाम एंड इस्लामोफोबिया जिस तरह से उन्होंने की उसके अगेंस्ट जो है ना लोगों को एक असली चेहरा इस्लाम का दिखा एंड द वे दे वर यू नो हर मैच के बाद सजदे करना हर मैच के बाद अल्लाह का शुक्र करना हर मैच चाहे वो हारे चाहे वो जीते बिल्कुल ऐसी है. अभी को अभी सेमीफाइनल uh, के अंदर जब वो हारे हैं सेमीफाइनल में जब वो हारे हैं तो उन्होंने उस हारने के बाद भी दोबारा से सजदा शुक्र कर रहे थे मेकिंग पीपल रियलाइज और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो रियलाइज uh, करें मैं स्केप्टिकल नहीं होना चाह रहा बट ये कि आई हैव मिक्स फीलिंग्स रिगार्डिंग एट ठीक है मेरा मेरी ज़ा राय मेरी जतीिय राय को पॉडकास्ट के, के का फतवा ना लिया जाए बट मैं बस बोल रहा हूँ कि ठीक है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अला सु इसके ज़रिए खैर लेकर आए जो भी हुआ कि मिसाल के तौर पर बात करता हूँ देखिए खबीब वगैरह के बारे में बात करता हूँ इन इट सेल्फ मूह पे हट करना वगैरह इस तरह की चीज़ें ऑफकॉर्स प्रॉब्लम होती है बट एक चीज़ ज़रूर आई कि लोगों के सामने जो है ना कॉन्फिडेंस आया बहुत से यू एफ़ सी फाइटर्स जो मुसलमान हैं वो आके अल्लाह सबाना ताल की बात न देखिए एक अच्छा अच्छी बात तो यह है कि लोग कॉन्फिडेंट हुए अपने बिलीफ के मामले में mm. uh, लोग शर्मा नहीं रहे एंड uh, मुसलमान जो है लोग को पता चल रहा है लोग छोटी सी चीज़ देख लीजिए खतर से आए तो एक बंदे ने बोला यार मैं कब से टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर रहा था मुस्लिम शावर तो बड़ी अमेजिंग चीज़ है mm. उसकी जिंदगी बदल गई उससे बोला मैं जाऊँगा और वापस जाके इस चीज़ को वो करूंगा तो पीपल नीड टू रियलाइज दैट वी हैव समथिंग टू गिव टू दिस वर्ल्ड बिल्कुल शर्म मत खाओ यू हैव सो मच टू गिव टू दिस वर्ल्ड एंड दिस कैन चेंज द वर्ल्ड आप जब शर्मिंदा हो अपने आप से तो आप सामने वाले को कैसे अपनी खासियत बताओगे आप खुद अपनी दीन से शर्मिंदा होते हो आपको लगता है कि आपके पास कुछ देने के लिए नहीं आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है आप देने के लिए आओ आप लोगों को बुलाओ और देखो किस तरह से लोग आते हैं और आपकी चीज़ों को देखते हैं उनको ये चीज़ों की ज़रूरत है उनके पास नहीं है ये चीज़ें एबसलूटली और वो वो जब तक ये देखेंगे नहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी ऑल दो वो आपकी वाली बात आई टोटली एग्री विद इट आई आई टोटली अंडरस्टैंड विद दिस इज़ कमिंग फ्राम और हम भी ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि जो फुटबॉलर्स हैं या ये वाले जो सेलिब्रिटीज़ हो गए इस तरह के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ होगी दे आर नॉट पीपल हु आर द फ्लैग बेयर्स ऑफ़ इस्लाम इसमें कोई शक की बात नहीं है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का स्टैंडर्ड इतना लो हो चुका है अभी कि हम लोग जो है ना वो अपने लिए दीन की रिप्रेजेंटेशन हमें अब जो बेस्ट नज़र आ रही है वो हमें पर्सनैलिटीज़ जैसे सेलिब्रिटीज़ में नज़र आ रही है सेलिब्रिटी ने कोई कोर्ट कोई बात कर दी दीन के बारे में हम कहते हैं यार सुबहानला वो क्या बात है क्या हुँ. बात है फुटबॉलर्स ने कुछ कर दिया क्रिकेटर्स ने कुछ कर दिया तो हमें बात पसंद आती है और दो ये हमारे लिए आइडियल पर्सनलिटीज़ नहीं इनके अंदर बहुत खामियाँ हैं जैसे हम सब के अंदर हैं ऑबियसली इसी तरीके से लेकिन जो इनकी पर्सनैलिटीज़ को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो वैसे भी फॉलो करेंगे अगर हम इसके वो दिन के काम नहीं दिन की बात नहीं होगी वो फिर भी फॉलो करेंगे फ़ुटबॉल को दिन की बात होगी वो फिर भी फॉलो करेंगे तो जो ऑडियंस है फुटबॉल देखने वाली या क्रिकेट फॉर दैट मैटर देखने वाली उनको जो पैगाम दिया ना वजी भाई जो आपने कहा ये वाक़ा जो है ना इस इस लिहाज से इसके अंदर इन शाल मुझे उम्मीद है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खैर ज़रूर होगी जैसे एक वो मिसाल थी आपने कहा ना कि हम क्या दुनिया को ऑफ़र क्या कर सकते हैं जो वेस्ट उसको भी बचा रहे नॉन मुस्लिम्स को भी बचा रहे हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं तो वो जो मोराको की टीम का आपने जिक्र किया मोरक्को की जो टीम है उन्होंने ये चीज़ एटलीस्ट दिखा दी कि और कुछ हो ना हो हम हर हालत में खुश रहते हैं ठीक है शुक्र अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हम अपनी विक्टीज जो हैं ऑल दो फोर् इट्स जस्ट स्पोर्ट ऑब्वियसली हक और बातिल का मार्का नहीं है इससे कुछ लोग बना रहे थे इट्स जस्ट अ स्पोर्ट हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर मामले के अंदर और हम अपनी विक्ट्रीज को जो है वो दोबारा से एसोसिएट करते हैं किसके साथ अल्लाह सला के साथ हमारी कामयाबी नहीं है हमारी वजह से कुछ नहीं होता क्योंकि हमारी टीम कहीं पर भी नहीं थी हम कहीं पर भी वी स्टूड नो अवेयेर बिफोर दिस हमारी कोई ऐसी तैयारी ऐस सच नहीं थी कि दुनिया में कहीं पर रेड करें बस लेकिन जहाँ पहुँचा दिया तो अल्लाह ने पहुँचा जहाँ पे निकलवा दिया तो अल्लाह तला ने निकलवा दिया तो जाएँ अल्लाह ताला के पास ही सारी की पावर है हमारे पास कोई पावर नहीं है अच्छा दिस वेरी एक्ट इससे मुझे सलफ़ की तरफ एट्रीब्यूट किया जाता है कि एक दफ़ा इमाम तयमिया हैं आई एम नॉट श्योर आप नहीं नहीं करेक्ट नहीं? में, या आ, इमाम अहमद बिन हमल की तरफ एट्रीब्यूट किया जाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे और एक दफ़ा उनके एक स्टूडेंट आए और उन्होंने वो बिज़नेस भी करते थे ताजिर भी थे तो उनको आके ये ख़बर दी कि आपका वो जो शिप था जिसमें आपके ट्रेड का सारा सामान था वो जो है ना सिंक कर केमामी इमाम गजाली गजाली इमाम माइट तो ही सेड अल्हम्दुलिल्लाह और फिर उसके थोड़ी देर बाद वही स्टूडेंट वापस आए कि नहीं वो गलत ख़बर थी वो दूसरी शिप है जो सिंह किए आपकी शिप बिल्कुल ठीक है एंड ही थोड़ी देर की खामोशी के बाद ही साइड अल्हम्दुलिल्लाह तो उनके स्टूडेंट उनके सामने बैठे थे उन्होंने उनसे पूछा कि शेख आपने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला जब आपने ख़बर सुनी और जब दूसरी अच्छी खबर सुनी तो भी अल्हम्दुलिल्लाह बोला तो उन्होंने कहा कि मैंने मैं रुका और मैंने एनालाइज़ किया ख़ुद को मैंने सेल्फ असेस किया कि क्या इस चीज़ ने मेरा कनेक्शन अल्लाह ताला से कम या ज़्यादा किया है क्या मेरी जीत ने मेरी मोहब्बत अल्लाह ताला के दिल में ज़्यादा बढ़ा दी है मैं आई सेड इट अदर वे अराउंड मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा बढ़ा दी है या क्या इसने किसी भी तरीके से मेरे ईमान को कम किया है तो द आंसर वॉज़ नो सो आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरी दफ़ा भी जब ये चीज़ हुई मैंने फिर से ख़ुद से पूछा क्या इस वेरी इंसिडेंट की वजह से इस uh, दुनियावी एक अमल की वजह से

आपकी ज़िंदगी में हुँ. जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती दैट्स हार्डली फाइव टू टेन परसेंट और आपके हाथ में उसका जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली इन कंट्रोल होता है हुँ. जिस चीज़ के ऊपर कुदरत नहीं रखते आपके इख्तियार में नहीं है आप उसके ऊपर अपने आप को खर्च नहीं करते हुँ. और ये एक एटीट्यूड होता है उन लोगों का जो लोग जिंदगी में कुछ करते हैं बिकॉज दे नो कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे तो एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के उस के ऊपर रो रही थी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं पता कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ उनको नहीं पता था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद में किसी ने बताया कि आपको पता था कि आप कौन आपको बोल के गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आए आइनों ने अपोलोजाइज़ किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि सब्र जो है ना उस मौके के ऊपर होता है उसकी मौके के ऊपर होता है बिकॉज बाद में तो इंसान सबर कर लेता है Absolutely. उस वक्त सबर करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज उस वक्त इंसान अपने आप को सबसे पहले याद दिलाता है कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है जो हो गया मैं तस्लीम करूँ कि अल्लाह ताला ने कर दिया आई के नॉट बी इन डिनाइन दूसरा ये कि मैं जिस चीज़ पर कंट्रोल करता हूँ मैं अपने जज्बात और अपने एक्शनस को करता हूँ ताकि मैं ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज़ कह दूँ या कोई ऐसा अमल कर दूँ जिससे मेरा रब नाराज़ हो जाए जैसे अल्लाह के रसूल सल वसम ने क्या कहा था कि इन अलआना तदमा कि बेशक आ, आँखें आ, ना रोती ना हैं वलकल्बा यासन कि जो दिल हैं वो गमकीन होते हैं वला नकुलर उदा रबोना लेकिन हम जबान से वही कहेंगे जिससे हमारा रब राजी होता है।, है।, है तो ये एक मुसलमान का एटीट्यूड होता है दैट रिगार्डलेस ऑफ वॉट हैपन्स बट इन एनी केस बात तो हम लोग उससे कर रहे हैं लेकिन तला भाई उस वक्त से बैठे हुए हैं तला भाई बीग इनक्लाइन टूवर्ड्स रिलीजन क्या फ़र्क आया आपकी दोस्तों के साथ आपकी सोच में अब आप आपको जिंदगी को देखने की क्या डिफरेंस फील हुआ आई वुड लाइक टू नो एंड वुकोर्स आज आप, आप हमारे आप शो का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं लेकिन आप जो है यहाँ तीन बातों ने क्वेश्चन एक मुझे लगता है कि <laughs> है के जो है वो क्वेश्चन करता है कि Uh, मुझे लगता है कि हर इंसान किसी ना किसी एज में hmm. मिड ईयर्स में या मतलब उसको कभी भी सोच आ सकती है ऐसी तो इन टर्म्स ऑफ ऐसे आपको घर में भी अलहमदिल्ला का शुक्र है मेरे ऑलवेज घर में मतलब नमाज रोज़ा दीनी माहौल ऑलवेज इट वाज देयर मगर ये कि एक दीन को और समझना और गहरे तरीके से समझना जैसे हमारे यहाँ यूजली कल्चर है कि कुरान तो पढ़ लो मैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ व्हाट्स रिटन इन इट और ये बहुत बड़े स्केल पे पाया जाता है hmm. तो फिर उसके बाद वही वाली बात है कि अभी जैसे हैदर भाई भी बता रहे थे और आप भी बात कर रहे थे कि जैसे जो मीडिया कल्चर हमारा जो आ, है इस वक्त जो इंडियन इन्फ्लुंस मीडियन मीडिया कल्चर है तो वो हमें बहुत ईजी एक्सेस था हमारे माइंडस को इन जनरल मतलब हर यहाँ पर हर बंदे को इवन एट माई एज या मेरे से यंग या, या हमसे पुराने लोग उन लोगों के लिए भी तो अलहमदिल्ला ये कि बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया विद द पैसेज ऑफ टाइम जब करते गए करते गए तो अल्लाह ताला ने दुआ भी मांगी बहुत कि अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा दे और सबसे पहले व्हाट वाज माय इनिशियल थिंग वाज के uh, कि मैं नमाज ना छोडूं और ये चीज़ मुझे एक बहुत एक बहुत हिट था मेरे लिए वाई uh, मुझे ऐसा लगा कि uh, मुझे स्केप नहीं मिल रहा था देर वॉज नो स्केप इन टर्म्स ऑफ के आई को नॉट फाइंड मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा था कोई चीज़ मुझे ऐसी फोकस या कोई ऐसा एक कांस्टेंट हैप्पीनेस आई को नॉट फाइंड इन मतलब टू मच मटीरियल स्टेक या द कंपनी आई यूज टू हैव और अगर कहीं जाता था मे बी आई टू बी क्वाइट आई एम काट गाई आई डों लॉट तो मे बी इन मोर इन टू पीपल वट वट पीपल आर शेयरिंग और टॉकिंग अबाउट टू लिसन टू दैम मोर तो अलहमदुल्ला माशा फिर यूथ क्लब के लोगों के साथ जब जॉइन किया तो फिर आपकी माशा क्लास में आना शुरू किया फिर हैदरबाई की माशाल्लाह जो जो रिवाइवल सीरीज है जो सेंटर रोड तो है। है। है भाई की क्लास अटेंड करके कौन सी नेगेटिविटी आई आपके अंदर इस बात का जवाब दे कि ये कौन सी नेगेटिविटी पे जो टॉपिक हमारा रहा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक बात कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ द एक्सपेरिमेंट वाज विद अ ग्रुप ऑफ रैट्स और ये भावर की रिसर्च थी आई हेड इट आई इट उन्होंने उन चूहों को पानी के बोल में डाला mm -hmm. और uh, उनको छोड़ दिया उसके अंदर तो वो पंद्रह मिनट के लिए अपनी स्ट्रगल करके उस पर डूब गए बट दूसरे सेट ऑफ रैट्स को जब या माइस को उन्होंने डाला पानी में तो जब वो डूबने वाले थे उनको निकाल लिया बाहर और फिर उनको वापस डाला तब तो वो पंद्रह मिनट की बजाय वो घंटों तक अपने आप को स्ट्रगल करते रहे बिकॉज़ उनके अंदर ये बिलीफ आ गया कि कोई आके बचाएगा ना आपके पास जब ये यकीन हो कि एक है कि मैं आप पे उम्मीद लगाऊं कि मुझे कोई आके बचाएगा और मुझे ये बात पे मायूसी हो क्योंकि आप शायद चाहते हुए अपनी एबिलिटी से मुझे ना सपोर्ट कर पाएँ लेकिन जब मेरा एतम अल्लाह सुबहाना ताली पे होगा जो ज़मीन और आसमान का मालिक है जो मेरी ज़िंदगी को मेरी तकदीर को चला रहा है और मुझे उसकी ज़िंदगी उसकी रहमत उसकी इल्म उसकी हमत के ऊपर अगर मुझे यकीन हो जाए और ये तब आएगा जब मैं अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जुड़ूंगा अल्लाह ताला को जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि अगर मुझे अल्लाह ताला का इल्म नहीं है अल्लाह ताला को मैं जानता नहीं अल्लाह ताला को मैंने मैंने पहचाना नहीं अल्लाह ताला की जो तस्बी है तहलील है ये सारी चीज़ें मेरे दिल में दाखिल नहीं हुई हैं अल्लाह की हमद अल्लाह की तारीफ़ मेरे अंदर नहीं है तो मैं अल्लाह तौला को पहचान नहीं पाया तो जब मेरे अंदर ये यकीन नहीं आया कि मेरा एक रब है मुझे पालने वाला है मेरे मामला को डिस्पोज करने वाला वो है मेरी ख़ताओं को माफ़ करने वाला वो है तो जब मुझे ये बात का यकीन नहीं आएगा तो फिर मैं कैसे एक पॉजिटिव इंडिविजुअल हूँगा मेरी ज़िंदगी में नेगेटिविटी कहीं ना कहीं एंटर हो जाएगी क्योंकि मुझे जब दाफो तालब वमतलूब जिससे मांगा जा रहा है जो मांग रहा है वो दोनों कमज़ोर हैं अल्लाह ने बोला तो जो मखलूक पे डिपेंडेंट है वो मायूसी ही होगा तो जो रब से ताल्लुक जोड़ता है वो मायूस नहीं होगा तो रब ने आपको कुरान शुरू करते बता दिया दिए अल्हमद रबालमीन अलहमद में पॉजिटिविटी है कि अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तूने मुझे क्या नहीं दिया तो मैं तेरा शुक्र भी अदा करता हूँ तेरी तारीफ भी करता हूँ mm -hmm. क्योंकि तूने मुझे इतना कुछ दिया जो बहुत से लोगों के पास नहीं तो आपकी पूरी कुरानी पॉजिटिविटी से स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव एटीट्यूड स्टार्ट हो रही है बिकॉज यू फोकस्ड ऑन वॉट यू हैव रादर यू डोंट हैव So, people who focus too much on what they don't have, they're always sidelining and being ungrateful to what they already have. So, when you go on the social media, when you see people acquiring something, don't realize that there is a of struggle. And that struggle is never looked at by any. They don't, people, people don't want to be part of the process. It's the process which makes you. But people look at the outcome. कि यार बंदा मालदार बन गया बंदा मशहूर हो गया बंदे के फॉलोअर्स इतने बट दे डोंट सी द स्ट्रगल दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस तो बी अ पर्सन हु इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ग्राइंड योर अपनी जिंदगी में ग्राइंड कीजिए अपने आप को नथिंग ग्रोज इन अ कंफर्टेबल स्टेट यू नीड टू हैव दैट इंटेग्रिटी एंड रिस्पेक्ट इन योर ओन सेल्फ नो योर सेल्फ एंड नो योर ट्रू क्वालिटीज यू डोंट हैव टू वॉक द पाथ ऑफ द सेम इंडिविजुअल एंड देर own success story you have your own success story Allah has given you your own identity Allah has given you own identity Allah has given you Allah has hai. understand those values and be able to have your connection with Allah subhanahu wa ta'ala be able to do something which you are responsible for and leave it upon Allah subhanahu wa ta'ala so I think you do that and you're consistent you are regular and you try again and again and Allah, ask Allah subhanahu wa ta'ala for help एंड डू योर पार्ट इनशाला कहीं ना कहीं आपको पहुँचा देते हैं मुझे भूख लग रही है तो इसको ख़त्म करते हैं इन हमारा खाना खाने का प्लान भी है मैं तो खाना तो रोज खाते हैं पर आज बाहर खाना खाने का प्लान है तो इन पहले कि ऑडियंस हो जाए और जहरीन कोई अजीब सा

Uh, एक, uh, आम बात को आम करना और खैर की बात करना अल्लाह उम्माद कबूल करेंखलास अदा करें, करें I mean. और वो कहते हैं ना लोगों के होलिये में न जाए बटे नैनी गैस है इन तलाकात करें खैर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इस तरह के और मजीद वीडियोज पॉसिबल हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपकी सपोर्ट के साथ क्लिक ऑन द पेट लिंक एंड सपोर्ट अस नाउ